मायसेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने कार्बिनेटिव्स क्या होते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जो कार्बिनेटिव्स हमारी जो ड्रग्स हैं, ये हम लोग फार्माकोग्नोसी के अंदर कार्बिनेटिव्स की कुछ ड्रग्स पढ़ते हैं, वो ड्रग्स जो कि फंक्शन देती हैं एज अ कार्बिनेटिव। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एज अ कार्बिनेटिव हम लोग यूज़ करते हैं क्रूड ड्रग को। तो जो क्रूड ड्रग्स होती हैं उनको हम लोग एज अ कार्बिनेटिव्स यूज़ करते हैं। अब ये जो क्रूड ड्रग्स हैं, ये चाहे हमको प्लांट से मिले, लीफ से मिले, फ्रूट से मिले, या फिर किसी भी ऑर्गन पार्ट से अगर हमको ये ड्रग्स मिलती हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिनेटिव्स बोलते हैं। तो ये कार्बिनेटिव्स जो ड्रग्स होती हैं, इनको हम लोग कोई भी ऑर्गन पार्ट से हमको मिले, कोई भी क्रूड ड्रग्स हो सकता है, चाहे वो लीव्स हो सकता है, चाहे वो फ्लावर्स हो सकता है, चाहे वो स्टेम, कोई भी ऑर्गन पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं एज अ कार्बिनेटिव। तो जो सबसे पहले हम लोग कार्बिनेटिव ड्रग्स जब पढ़ेंगे, तो कार्बिनेटिव जो ड्रग्स होती हैं, कार्बिनेटिव ड्रग्स जब भी हम पढ़ेंगे, तो कार्बिनेटिव ड्रग्स कुछ इस तरीके से होती हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो कार्बिनेटिव ड्रग होती हैं उसका क्या मतलब होता है। तो जो कार्बिनेटिव ड्रग्स होती हैं, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो कार्बिनेटिव की अगर हम लोग थ्योरी के बारे में बात करें कि ये ड्रग्स क्या होती है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कार्बिनेटिव जो ड्रग्स होती हैं, ये दीज आर द ड्रग्स दैट रिवेल्स फ्लक्यूलेंस। इसका मतलब होता है कि ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि फ्लक्यूलेंस अपना एक्शन शो करती हैं। इसका मतलब होता है दैट एक्यूमुलेट्स ऑफ गैस इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प्स टू एक्सपेल गैस फ्रॉम स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। तो ये जो कार्बिनेटिव हमारी ड्रग्स होती हैं, इनका काम क्या होता है, जो भी हमारे स्टोमक के अंदर या फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो भी गैस फिल होती है उसको एक्सपेल्ड आउट करना, ये फंक्शन कहलाता है किसका, हमारे कार्बिनेटिव्स का। तो ये जो कार्बिनेटिव्स हमारी ड्रग्स होती हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर जो गैस फिलअप होती है, चाहे वो स्टोमक के अंदर फिल हो, चाहे वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर फिल हो, तो उन गैसेस को ये एक्सपेल्ड आउट करने के लिए हम लोग इस टाइप की ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा मतलब किसका हो गया, ये हमारा मतलब हो गया कि ये कार्बिनेटिव्स जो हमारी क्रूड ड्रग्स हैं, इनको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ कार्बिनेटिव्स। तो जब भी आपके इंट्रोडक्शन में अगर आपसे पूछा जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कार्बिनेटिव्स, तो सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना है, सबसे पहले आप लोग को एक्सप्लेन करना है कि कार्बिनेटिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जो कार्बिनेटिव्स होते हैं, ये कार्बिनेटिव्स का डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे इसी पैटर्न में कि ये एक ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो स्टोमक हो और चाहे वो इंटेस्टाइन हो, इसके अंदर जो भी गैस फिलअप होती है उसको एक्सपेल्ड आउट, मतलब एक्सपेल बाहर निकालने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये इस टाइप की गैस हैं जो कि हेल्पफुल, इस टाइप की क्रूड ड्रग्स हैं जो कि हेल्प करती हैं स्टोमक या फिर इंटेस्टाइन के अंदर जो भी गैस फिल हो उसको एक्सपेल्ड आउट कर सकें। तो इस पैटर्न में आपको इसका डेफिनेशन राइट डाउन करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, अगर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो इसमें दीज कंपाउंड्स फैसिलिटेट्स एन इंक्रीज इन गैस्ट्रिक एम्प्टी। ये क्या करता है, ये जो गैस्ट्रिक हमारा होता है एम्प्टी, उसके अंदर ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, फैसिलिटेट्स करता है। ये स्टेप्स के कंपाउंड होते हैं एंड आर माइल्डली इरीटेड टू द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। और जो हमारा जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है बॉडी के अंदर, उसको इरीटेट करता है, इरीटेट मतलब उसको प्रवोक करता है, थोड़ा सा इरीटेट करेगा म्यूकोसा को जो कि हमारा स्टोमक है उसको, सो दैट
पेरिस्टाल्सिस इज इंक्रीज, तो जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो पेरिस्टाल्सिस है मतलब जो मूवमेंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब वो इंक्रीज होगा तो इसमें क्या होता है, क्रम्पिंग होती है, आपस में एक दूसरे से ये सिकुड़ेंगे, क्रम्पिंग होगी। और उसके बाद इसमें से क्या होगा, जो गैस है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होगी, एक्सपेल होगी, वो बाहर निकलेगी। तो अगर आप लोग से पूछा जाता है कि जो कार्मिनेटिव जो हमारी ड्रग है उसमें से किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर से जो गैस है वो निकलती है, एक्सपेल्ड आउट होती है, तो आप लोग को ये बताना है कि ये जो गैस्ट्रिक एम्प्टी होता है, ठीक है, हमारा जो स्टोर, जब भी हम लोग फ्रूट ड्रग खाते हैं तो आप लोग को इतना लिखना है कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो उसमें आप बताएंगे कि जो भी क्रूड ड्रग हम लोग एज अ कार्मिनेटिव यूज़ कर रहे हैं, जब हम लोग उसको खाते हैं, ठीक है, लेते हैं, तो हमारा जो स्टोमक होता है, स्टोमक के अंदर हमारी एक लेयर होती है जिसको हम लोग गैस्ट्रिक म्यूकोसा बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, तो उसके अंदर की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो म्यूकोसा होता है, उसमें क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो इंक्रीज होता है, आपस में इन लोग के अंदर क्रम्प्स होते हैं, सिकुड़ते हैं, ठीक है। वो उनके अंदर जो मूवमेंट होता है उस लेयर्स के अंदर, उसको ये प्रवोक करते हैं, उसको ये बढ़ाते हैं। जब इनका मूवमेंट बढ़ता है तो क्या होता है, जो गैस्ट्रिक है हमारा, म्यूकोसा है, उसमें से जो गैस है वो क्या होती है, एक्सपेल्ड आउट होती है। तो ये हमारा मैकेनिज्म है किसका, कार्मिनेटिव्स का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि और इसके क्या क्या काम होते हैं, तो जो कार्मिनेटिव्स होते हैं इसका काम होता है माइल्ड इरिटेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज जीआई मोटिलिटी। तो ये क्या करता है, जो हमारी गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है, ठीक है, तो उसको भी ये क्या करेगा, मोटिलिटी को बढ़ाता है। इसका रीज़न ये है कि अगर जब मोटिलिटी हमारी मूवमेंट होने का जो मोटिलिटी होता है किसका, हमारी जो स्टोमक है उसकी मसल्स का, तो म्यूकोसा मेम्ब्रेन का, तो जब मूवमेंट होगा तो उसमें भी क्या होता है, गैस का एक्सपेल्ड आउट, जो भी अंदर भरी हुई रहती है वो इजीली निकल जाती है। उसके बाद लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर अगर भरी होती है तो वो भी क्या होती है, उसके अंदर से उसको भी ये क्या करता है, एक्सपेल्ड आउट करता है, मींस बाहर निकालता है। तो हमने अगर इसमें देखा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो इसका मैकेनिज्म जो एक्शन है वो क्या होगा, वो हमारी सबसे पहला चीज़, वो माइल्ड इरिटेशन कॉज करती हैं ये ड्रग्स, माइल्ड इरिटेशन कॉज करेंगी, तो उससे क्या होगा, हमारा जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है वो बढ़ती है, ठीक है। और जब गैस्ट्रिक मोटिलिटी जब बढ़ेगी तो उसके बाद क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारा मेन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब कि जो भी हम लोग क्रूड ड्रग ले रहे हैं, खा रहे हैं, वो क्रूड ड्रग जो है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी बाहर निकालता है, और जो हमारे इंटेस्टाइन है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्रम्स और क्या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इंक्रीज करके जो भी उसके अंदर भरा हुआ गैस होता है उसको ये क्या करेगा, एक्सपेल्ड आउट करेगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने देखा कि ये इस तरीके से हमारी जो भी बॉडी है उसमें से गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल्ड आउट करता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि डिमल्सेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग डिमल्सेंट्स की बात करें तो डिमल्सेंट का मतलब होता है सूथनेस प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो ये जो हमारे डिमल्सेंट्स होते हैं ये एज अ डिमल्सेंट्स भी कार्मिनेटिव वर्क करते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें कि डिमल्सेंट्स का फंक्शन जो होता है वो किस तरीके से बॉडी के अंदर होता है, तो इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को अगर हम लोग देखें, दीज आर द ड्रग्स दैट रिवेल्स इरिटेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द माउथ बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव फिल्म। ये क्या करते हैं, जो भी ड्रग हम लोग
खाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके की ड्रग्स होती हैं जो कि इरिटेशन कॉज करती है म्यूकस मेम्ब्रेन में इन द माउथ बाय फॉर्मिंग द प्रोटेक्टिव फिल्म। एक प्रोटेक्टिव फिल्म जो लेयर है हमारी उसमें क्या करती हैं ये लोग बना देते हैं। तो ये इस तरीके की ड्रग्स होती हैं दैट रिवेल्स इरिटेशन टू द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन कॉज करके एक प्रोटेक्टिव फिल्म वहाँ पे कवर अप कर देती हैं। डिमल्सेंट्स आर समटाइम रिफर टू एज अ म्यूको प्रोटेक्टिव एजेंट। इनको हम लोग म्यूको प्रोटेक्टिव एजेंट भी बोलते हैं। म्यूको प्रोटेक्टिव मीन्स जो भी हमारी म्यूकस लेयर है उसमें एक लेयर या फिर उसमें एक कोट फॉर्म करते हैं जो कि क्या करती है, एक प्रोटेक्शन का काम करती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूको प्रोटेक्टिव। उसके बाद अगर हम लोग देखें डिमल्सेंट सच एज पैक्टिन, ग्लिसरीन, हनी एंड सिरप आर कॉमन इंग्रेडिएंट्स इन कफ मिक्सचर्स एंड कफ ड्रॉप्स, मिथाइल सेल्यूलोज, प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरीन आर द सिंथेटिक डिमल्सेंट्स। अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे डिमल्सेंट्स की तरह वर्क करते हैं, तो वो हमारे हैं पैक्टिन, ग्लिसरीन, हनी। ये सारे जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं ये म्यूको प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं, म्यूको प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं और इनको हम लोग एज अ डिमल्सेंट्स यूज़ करते हैं, राइट। तो डिमल्सेंट जो होते हैं वो बेसिकली हमारे ऐसी ड्रग्स होती हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती हैं और उससे जो हमारे डिमल्सेंट्स होते हैं वो हमको सूथनेस प्रोवाइड कराते हैं, जिसको हम लोग म्यूको प्रोटेक्टिव एजेंट भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग ने देखा सबसे पहले कि जो हमारे कार्बिनेटिव्स होते हैं, कार्बिनेटिव्स कैसी ड्रग्स होती हैं। अगर एग्ज़ाम में कभी आपको क्वेश्चन आए कि आप लोग एक्सप्लेन करिए कार्बिनेटिव्स क्या हैं, तो आप लोग को बताना है कि कार्बिनेटिव्स एक ऐसी ड्रग्स हैं, चाहे हम लोग उसका कोई भी क्रूड ड्रग का पार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो कार्बिनेटिव्स का जो वर्क होता है वो क्या होता है, गैस को एक्सपेल करना, गैस को बाहर निकालना, किस में से, या तो स्टोमक में से या फिर इंटेस्टाइन में से। वो किसी भी स्टोमक या इंटेस्टाइन के पार्ट में से गैस को एक्सपेल्ड आउट करते हैं। ये किसका वर्क होता है हमारा, ये हमारा वर्क होता है कार्बिनेटिव्स का। और अगर हम लोग मोड ऑफ एक्शन की बात करें कि मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कार्बिनेटिव्स का, तो यहाँ पे हमने देखा जो कार्बिनेटिव्स होते हैं वो किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोमक इंटेस्टाइन है उसमें से किस तरीके से गैस को एक्सपेल्ड आउट करते हैं। तो उनका काम क्या होता है, ये जो हमारे गैस्ट्रिक एम्प्टी होता है, जब हमारा गैस्ट्रिक एम्प्टी होता है, खाली होता है, तो उसमें क्या ये कॉज करते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं, ठीक है। जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है उसके अंदर, गैस्ट्रिक म्यूकोसा मतलब हमारे स्टोमक जिससे बना हुआ रहता है, ठीक है, जिस लेयर से वो बना हुआ रहता है, सो हम लोग गैस्ट्रिक म्यूकोसा बोलते हैं। वो लेयर जो उसके अंदर फॉर्म होती है, तो वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को वो क्या करते हैं, उसके अंदर पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट मीन्स उसकी मसल्स का मूवमेंट जो होता है उसको इंक्रीज करते हैं। और क्या करते हैं, जो हमारे क्रम्स होते हैं, क्रम्स मतलब जो उसके अंदर सिकुड़न होती है वो क्रम्स है, तो वो क्रम्स को क्या करते हैं, उसको भी इंक्रीज करते हैं। और उसके बाद जब ये सारे क्रम्स हो गए और गैस्ट्रिक म्यूकोसा मेम्ब्रेन हो गई, तो ये सब के कारण ये क्या करेंगे, जो स्टोमक के अंदर जो गैस भरी हुई होती है उसको ये क्या करेंगे, एक्सपेल्ड आउट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका, हमारे कार्बिनेटिव्स ड्रग्स का। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि ये और क्या क्या काम करते हैं, तो ये जो होते हैं ये बॉडी के अंदर से
हमारे जो जीआई मोटिलिटी होती है उसको भी ये इंक्रीज़ करते हैं। सेकंड थिंग, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के अंदर भरी हुई रहती है उसको भी ये लिब्रेट करते हैं, उसको भी ये बाहर निकालते हैं। तो इनकी दो चीज़ें हो गई, पहला कि ये जीआई मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, दूसरा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई रहती है उसको भी ये क्या करते हैं, एक्सपेल्ड आउट करते हैं। तो इस तरीके से जो कार्बिनेटिव्स होते हैं वो बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है और जो स्टोमक होता है हमारा वो एक मेम्ब्रेन से बना होता है, ठीक है। वो मेम्ब्रेन के अंदर ये लोग क्या करते हैं, ये ड्रग्स क्या काम करती है, उसके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है। उसके कारण हमारे जो क्रम्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, और ये सब जब आपस में इन लोग का जब कोऑर्डिनेशन होता है तो जो बॉडी के अंदर जो भरा हुआ गैस होता है इंटेस्टाइन और स्टोमक को जो इन सारे मूवमेंट्स के कारण जो गैस फिलअप होती है वो क्या होती है, बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाती है। तो ये हमारा एक्शन हो गया किसका, कार्बिनेटिव्स का। तो इस तरीके से कार्बिनेटिव्स हमारी वर्क करती है। थैंक यू।